देख के आपको चप्पल पड़े हुए हैं। सॉरी, मुझे लगा ये जगह खाली होगी इसलिए मैं यहाँ पे आया था। तुम डरो मत, ये जगह सबके लिए है, कोई भी आ सकता है। मुझे लगा ये जगह भी खाली होगी और ये घर भी खाली है। हाँ, मैं अभी यहाँ पे हूँ तो घर खाली है, और जब घर में जाऊँगा तो गार्डन खाली होगा। मुझे लगा यहाँ पे कोई है नहीं इसलिए मैं यहाँ आया। यहाँ के गेट खुले रहते हैं, तुम्हें दीवार फांदने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली भी आ सकते हो। आप मुझे नोटिस कर रहे थे? तुम मुझे दिखे थे दीवार फांद के आते हुए, इसलिए मैंने तुमसे कहा, लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं डरता, लोग मुझसे डरते हैं, आप मुझे नहीं जानते। तुम 13-14 साल के बच्चे हो। 14 साल का हूँ। मुझे टाइम हो रहा है, मुझे जाना होगा। यहाँ सब लोग आते हैं, तुम भी आ सकते हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं, लोग मुझसे डरते हैं, और इस वक्त तुम भी मुझसे डर रहे हो, बस तुम बता नहीं रहे हो। और तुम क्या, जब मैं अपने आप को मिरर में देखता हूँ ना, तो मैं भी डर जाता हूँ, मैं इतना खराब दिखता हूँ। अभी जब हवा रुक जाएगी तो मैं पेड़ पे चढ़ूंगा, वहां से एप्पल तोड़ के उसकी जेली बनाऊंगा। अब आप टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हैं? क्यों नहीं मुझसे पूछते कि मुझे क्या हुआ है? ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा फेस एसिड से जल गया था। उस एसिड से मेरा फेस ही नहीं जला, मैं अंदर से पूरा जल गया। तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है ना, तुम क्यों नहीं जानना चाहते कि मुझे क्या हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है पूरे वर्ल्ड में कि जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो। तुम वहां देख रहे हो, तुम्हें वहां क्या दिख रहा है? बकवास। वो वीड्स है जिसका कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें उगाता हूँ, क्योंकि चाहे वीट्स हो, फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो, सब मेरे लिए एक समान है। इसी तरीके से मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं, बस फर्क इतना है कि हम ओल्ड हैं और तुम यंग हो। तुम्हारा एक साइड फेस वन है और मेरा वन लेग इनका है। मुझे तो यहाँ आसपास के बच्चे भी लेमी लैम कह के पुकारते हैं। ये तो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रहा है। आपके लेग में दर्द होता है? दिन में दर्द नहीं होता। वो टिन के ऊपर वाले हिस्से में? हाँ, कभी कभी। जब एक्सीडेंट हुआ था तब दर्द हुआ था? हाँ, तब हुआ था, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर वाले भी यही बोलते हैं कि तुम व्हील चेयर पे नहीं हो, गूंगे बहरे नहीं हो, बस तुम्हारा फेस ही तो खराब है। हाँ, वो सही तो कह रहे हैं। आसान नहीं है मेरी तरह जीना। मुझे याद है जब मेरे चेहरे को एक औरत देखकर कह रही थी कि ये कितना खराब चेहरा है, ये ऐसा चेहरा है जिसको सिर्फ उसकी माँ ही प्यार कर सकती है। तुमने मधुमक्खी की आवाज़ सुनी है? कितनी बेकार लगती है, लेकिन असल में वो गाना गा रही होती है। ये तो इंसान के सोच के ऊपर डिपेंड करता है। लोग मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि लोग मुझसे डरते हैं। एक आदमी था जो मरने से बहुत ज़्यादा डरता था। वो सोचता था कि कभी कोई डंकी आएगा, उसको लात मार देगा, उससे मर जाएगा, कभी केले के छिलके से फिसल के मर जाएगा। इसी डर से उसने एक बार अपने आप को रूम में बंद कर लिया था ताकि वो मर ना सके। तो वो कब तक जिंदा रहा? कुछ समय तक। एक दिन उसके रूम में उसके सर पे एक पेंटिंग गिर गई जिस वजह से वो मर गया। इसीलिए तुम लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते, के साथ रहना पड़ेगा। आप पूरा दिन क्या करते हो? फ्रूट से बच्चों के लिए जेली बनाता हूँ। बच्चे यहाँ आते हैं, खेलते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। आप अपने घर में कर्टेन क्यों नहीं लगाते हैं? मुझे बाहर की चीजें अंदर और अंदर की चीजें बाहर रखना पसंद नहीं है, इस वजह से मैं कर्टेन नहीं लगाता। मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ, अगर वो चले गए तो मेरा क्या होगा? हमारे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके फ्रेंड्स हैं? मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं। कौन है आपका फ्रेंड? जो भी यहाँ गार्डन में आते हैं वो सब मेरे फ्रेंड्स हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई भी यहाँ पे आया और आपने उनको फ्रेंड बना लिया।
फ्रेंड्स की कोई फाइल थोड़ी ना होती है। अगर वो हमारे फ्रेंड्स नहीं है तो वो हमारे दुश्मन भी नहीं है। मेरा नाम डेरेक है और लोग मुझे प्यार से डेरी कह के पुकारते हैं, क्योंकि मुझे डेरेक नाम पसंद है। जब मैं ट्रीटमेंट करा के घर वापस आया था, एक आदमी मुझसे कह रहा था कि इसको यहाँ क्यों ले आए, इसको तो वहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गुंगो के साथ अच्छे लगते हैं और बहरे बहरों के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें सेम होते हुए भी डिफरेंट है। आप ये बातें सीखते कहाँ से हो? वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग, देखना, सुनना, समझना, तब जाके ये नॉलेज आती है। मुझे ये जगह पसंद है। तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो। पहले मुझे भी यहाँ के बच्चे लेमी लेम कह के बुलाते थे, लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं देता था, और आज वही बच्चे मुझसे जली लेने आते हैं। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? हाँ। ओह नो, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा, मम्मी वेट कर रही होंगी, लेकिन मैं आपकी मदद ज़रूर करना चाहता था। अच्छा बहाना बनाया है, कह दो कि तुम खुद नहीं आना चाहते। ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी यहाँ फिर आने नहीं देंगी। नहीं, एक बहाना है, जैसे तुम बहाना करते हो कि तुम्हारे फेस से सब डरते हैं। तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पे आकर दिखाऊंगा। तुम वहां नहीं जाओगे, वो एक स्ट्रेंजर है, अच्छा इंसान नहीं है। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छे इंसान है। वो बच्चों को जेलीज बना के देते हैं, बुक्स पढ़ाते हैं, और उन्होंने तो मुझे ऐसी बातें सिखाई हैं जो आज तक मुझे किसी ने नहीं सिखाई। तुम वहां नहीं जाओगे, बस। अगर आज मैं नहीं गया ना, फिर मैं कभी नहीं जा पाऊंगा मम्मी। मिस्टर लैम, उठिए, मैं आ गया मिस्टर लैम, देखिए मैं आ गया मिस्टर लैम, आपने बुलाया था ना मुझे, मिस्टर लैम, आप ही ने मुझे इतनी अच्छी बातें सिखाई और आप ही मुझे छोड़ के चले गए। मिस्टर लैम, मैं आ गया हूँ, मिस्टर लैम।